एमपी के हरदा से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां बदमाशों ने बीजेपी नेता को बंधक बनाकर करीब 50 लाख की डकैती की। मामला जिले के छिपावड़ थाना क्षेत्र का है। ये खबर सामने आते ही आसपास के इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उसकी माने तो रात करीब 2 बजे बीजेपी नेता के घर कुछ बदमाश चौकीदार को बेहोश कर घुसते हैं, फिर घर में मौजूद दंपति को बंधक बना लेते हैं और बंदूक की नोक पर घर में लूटपाट शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि इस लूटपाट को बदमाशों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। पहले घर में घुसे, घर में मौजूद लोगों को बंधक बनाया और फिर महज आधे घंटे में ही 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले में बदमाशों की तलाश कर रही है। मामले में बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया, बीती रात को हमें सूचना मिली थी, फरियादी ने बताया कि 5 लोग आए थे और सोने चांदी के गहने और नकदी ले गए। हमारी टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से करीब आधे घंटे के अंदर ही अलमारियों को तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो मामले में बीजेपी नेता के छोटे बेटे आदित्य पटेल का कहना था, घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश घर के पीछे के रास्ते से भागे हैं। उनके जाने के बाद हमने जैसे तैसे हाथों में बंधी रस्सी खोली। इसके बाद मैंने घर के चौकीदार के फोन से बड़े भाई को सूचना दी, साथ ही ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। फिलहाल बीजेपी नेता के घर पर हुई लूटपाट के बाद मामले की जांच चल रही है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।